आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चिकन मसाला करी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और सभी को बनाना आता है, लेकिन सबका अपना एक स्टाइल होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने स्टाइल से बनाई हुई चिकन मसाला करी की रेसिपी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे मेरे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी रेसिपी। तो चिकन मसाला करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में डाल देंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी चली जाती है, और साथ ही आप देखेंगे कि चिकन करी में इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है अगर हम इसे नींबू से मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये चिकन हमारा तैयार हो गया है मैरिनेट होके। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल, और उसी के साथ डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर रखा है। इसे हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। लगातार स्पैचुला को चलाते जाएंगे। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो अब हम इसमें मिला देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, और टमाटर को भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। टमाटर के डालते ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून खसखस, 2 हरी मिर्च और 6 से 7 काजू, और इन्हें भी हम भून लेंगे। 2 सेकंड के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून खड़ा धनिया, और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो जैसे ही हमारा ये मसाला भुन जाता है हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया को मैंने स्टेम के साथ ही डाला है ताकि करी में एक अच्छा सा टेस्ट आए इसका, और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। इसके बाद हम कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद और इसे ठंडा कर लेंगे ग्राइंड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर सेम पैन लिया हुआ है और मसाले को ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसमें डाल दिया है ये 1/3 कप तेल, और उसी के साथ मिलाया है 1 टेबल स्पून ये घी। घी का टेस्ट बहुत अच्छा था चिकन करी मसाला में। अगर आप 1 टेबल स्पून घी मिलाएंगे तो आपको चिकन करी मसाला का एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। अब हम इसके साथ डाल देंगे खड़े मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ते, 1/2 टेबल स्पून काला ज़ीरा लिया है, काला ज़ीरा ना हो तो सफ़ेद ज़ीरा ले लें, 1 बड़ी इलायची ली है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है या 7 से 8 काली मिर्च ले लें, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसे हम कुछ सेकेंड के लिए क्रैकर कर लेंगे तेल में, और इसके बाद हम इसमें मिला देंगे चिकन, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन को हमें उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को हाई रखें, इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है चिकन का। तो हम इसमें मिला देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम, और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसे लिड से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम लिड ओपन करेंगे और इसे स्पैचुला से थोड़ा सा चला देंगे ताकि मसाले हमारे पैन में लगे नहीं। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाला, जिसे हमने भून के रखा हुआ था, उसे मैंने ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये मसाला हम चिकन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे स्पैचुला से। इसके बाद हम इसे लेट से कवर कर देंगे और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद लिड ओपन करेंगे और इसे स्पैचुला से चला देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे करी में, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, और फिर हम लिड से कवर कर देंगे और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो मैंने इसे लिड से कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम लिड ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम चिकन को चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन हमारा कितने अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है, कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो बस ये हमारा चिकन करी मसाला बन के तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए लिड से कवर कर देंगे।
और 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये चिकन करी बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस है, सुपर टेस्टी है और सुपर इजी है। तो आप इस चिकन करी मसाला की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने करीबियों के साथ। और तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।